धातु के रूप में कहानियां ली गई तो ज्यादातर राम सीता श्याम ये सारे इस्तेमाल किए थे, लड़कियों के नाम बहुत कम होते हैं। तो उसमें ये चीज को हम लोग को अब देखना होगा। और उसमें सबसे पहली बात मैं यहाँ पर डॉक्टर यशपाल को भी लाना मानता हूँ। इसमें ये इसलिए रहता है क्योंकि कारण है कि जो रियल वर्किंग पीपल है, जो क्लासरूम सिचुएशंस को जानते हैं, समझते हैं और उन परेशानियों को झेल रहे हैं, किताबें उनसे नहीं लिख पाई जाती है। किताबें वे लोग लिखते हैं जिनको टीचिंग लेवल और उस बच्चों के स्तर को जानने से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता, इसलिए उन लोग नहीं समझ पाते। इस प्रकार के उदाहरण उन लोग दे देते हैं जिससे कि उन लोग को लड़कियाँ, अगर लड़की स्कूल में है और वो केवल लड़कों के प्रश्न पर आधारित है, जैसे मैथ्स में गोपाल गया दुकान में इतना और रमेश से खरीदा और इससे किया, तो उसमें लड़कियों को ऐसा लगता है कि केवल गोपाल ही क्यों गया, सीता राम क्यों नहीं गया, सीता क्यों नहीं गई ना। जैसे निशा मैम की बेटी ने भी एक बार कहा था कि हमको क्यों नहीं दिया, कि सब कुछ लड़का को क्यों दे दिया। तो पाठ्यक्रम को भी निर्माण करते समय और पाठ्यक्रम में सबसे पहले बुक्स डिजाइन करते समय, अब नई पीढ़ी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, हमको लगता है जेंडर सेंसिटिविटी को हमको बहुत याद रखना।